दिया जाए, इस बारे में हम लगातार बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ये बयान देने के कुछ देर के बाद ही कानपुर में रहने वाली रानी ने दम तोड़ दिया। उसे उसके पति ने दहेज के लिए जलाया था। अब आप खुद फैसला कीजिए कि दहेज के दानवों को क्या सजा मिलनी चाहिए। ऐसे दानवों के लिए कानून है, अब ये कानून और कड़ा करने का प्रस्ताव तैयार हुआ। लेकिन साथ ही एक सच ये भी है कि दहेज विरोध कानून का जमकर दुरुपयोग भी हो रहा है। और आज हिंदुस्तान की कसम में हम बात इसी पर कर रहे हैं कि दहेज विरोधी कानून को और सख्त बनाने के प्रस्ताव पर और साथ ही मौजूदा दहेज विरोधी कानून के बेजा इस्तेमाल पर भी। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष गिरिजा व्यास हैं और साथ ही सेव इंडिया फाउंडेशन के स्वरूप सरकार हैं। गिरिजा जी, सवाल वही है हमारा कि जब 7 साल का सजा का वो है प्रावधान, तब भी इसका मिसयूज हो रहा है। दहेज के लोभियों को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि दानव है वो, लेकिन फिर भी इसका मिसयूज होता है, इस बात से आप इनकार नहीं करती? देखिए, मैं पहले 3 बात कहूंगी। मुझे सरकार साहब से कहिए कि जब मैं बात करूं तो वो नहीं बोले, जब वो बात करेंगे मैं नहीं बोलूंगी। पहली बात तो ये है कि जो सारा डिस्कशन है उसको अलग ढंग से, या मैं कहूं कि उसको मिक्स करके पेश किया जा रहा है। 498A अलग है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो अभी बना है वो अलग है, और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है वो अलग है। 2 बार इस पर अमेंडमेंट हो चुका है और इस पर कॉग्निजिबल भी इसको बनाया गया है। मैं बात कर रही हूँ कि बहुत बार आपात स्वरूप जो मामले आते हैं उसका कारण यह है कि महिलाओं को मालूम ही नहीं होता कि उनके खिलाफ जिस प्रकार का मानसिक शारीरिक उनको दर्द मिल रहा है वो कहाँ जाए। सीधे तौर पर वकील या उनके अभिभावक उन्हें 498A लगा करके चौराहे पर खड़ा कर देते हैं, वो अपवाद के हैं। अन्यथा जिन मामलों में लगातार शादी के केवल 7 साल ही नहीं, शादी के पहले से लेकर के 20 और 22 साल तक लगातार दहेज मांगा जाता है या उसको दहेज जी, के नाम जी, मैं आपके पास लौटता हूँ। इस वक्त कामिनी जयसवाल है हमारे साथ, वरिष्ठ वकील है, उनसे हम बात करते हैं। कामिनी जी, 7 साल का सजा का प्रावधान है, लेकिन अब NCW ने नया प्रस्ताव रखा है कि सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सजा बढ़ाने से गुनाह कम नहीं होते हैं। हत्या के लिए सजाए मौत है, पर इससे गुनाह वो कम नहीं हुआ, रेप कम नहीं हुआ। मेरे हिसाब से सजा बढ़ाने से जब तक सोशल हम